तो सेक्शन 140, ओके, बेसिकली सेक्शन 140 जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया टॉक्स अबाउट कैरेक्टर विटनेसेस, कैरेक्टर विटनेसेस, और वी कैन से विटनेसेस टू कैरेक्टर. बेसिकली लास्ट क्लास में हमने 140 को डिस्कस करते हुए बंद करी थी क्लास, और इसके ऊपर डिस्कशन ये चल रही थी कि जो कोर्ट है वो कैरेक्टर विटनेस किसी को किसी के कैरेक्टर पे बोलने के लिए अलाउ कर सकती है या नहीं कर सकती है, किसी कैरेक्टर के ऊपर आप एविडेंस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इस चीज पे डिस्कशन चल रही थी. तो वी आर गोना टॉक अबाउट अ जजमेंट जिसका नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुबीर सिंह, जिसमें प्रीटी मच हमारे ये डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है, 1996 की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इट हैज बीन रिटन बाय ऑथर्ड बाय जस्टिस केटी थॉमस. ओके, सो ये आप नोट कर लेना साइटेशन, एंड लेट्स मूव अलोंग. अब सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में होगा 140 के, 140 सर, कैरेक्टर विटनेस 140 में ही है ना. सो अब आप लोगों से, सॉरी साइटेशन अगर दिखाना है तो आवाज नहीं आ रही सर आपकी. साइटेशन देख लिया, वो देख देख देखना चाह रहा हूँ. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह. हाँ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह. चलो, सो पहले मैं क्लैरिटी ले लेता हूँ कि कितने लोगों को उस दिन की डिस्कशन समझ आई थी. जिन लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया था उस चीज पे, देन उन पे मैं फोकस अलग से करता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो है कि कैन अ पर्सन बी कॉल्ड टू अड्यूस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अनदर पर्सन. ये अनदर पर्सन कौन होगा? सपोज करो भाई दो बंदे लड़ रहे हैं, ए वर्सेस बी का केस चल रहा है, स्टेट वर्सेस बी या ए वर्सेस बी, जो भी मान लो, और हम एक विटनेस लाके खड़ा करते हैं. प्रोसिक्यूशन या डिफेंस दोनों तरफ से ही विटनेस आ सकते हैं, दोनों ही अपने अपने विटनेस लेके आते हैं. अब सपोज करो कि ए ने बी के ऊपर केस लगाया है 376 का, 376 ऑफ आईपीसी, जिसमें रेप की बात होती है. अगर वो केस लगाया है, ठीक है, ये लड़की है फीमेल, ये मेल है, इसने केस लगाया कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो ये लड़का अपनी तरफ से क्या ऐसा विटनेस ला सकता है जो ये दिखाएगा कि दैट दिस गर्ल इज ऑफ अ जनरल इमोरल कैरेक्टर. वो कैरेक्टर के बारे में इसमें बात करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? वुड ही ब्रिंग और कैन ही ब्रिंग अ विटनेस टू द कैरेक्टर ऑफ दिस फीमेल? सबके यस और नो प्लीज. यस और नो? नंदिनी आपकी आवाज नहीं आई, आपने अनम्यूट किया बट आपकी आवाज नहीं आई. Sir, I think no. There was a controversy in the class, in the previous class. That is why I'm asking the question. ठीक है, नंदिनी says no. A witness cannot be brought to talk about the character of a party. Anybody else? Rajesh sir? No idea we have. No idea नहीं चलेगा सर. No या yes बताना पड़ेगा. एक तरफ होना पड़ेगा हमें. अखिलेश जी का यस आ गया. ऑल राइट, अर्गुन सर आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, यस यस कहते हैं, जोर से कहते हैं अर्गुन सर, यस. गोपाल सर, गोपाल सर आर यू अराउंड? नो. गोपाल सर कहते हैं नो, कैन नॉट. मेरा भी नो है. बहुत बढ़िया सर. गोपाल सर के साथ चलेगा. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया, कैन वी ब्रिंग अनदर पर्सन टू प्रूव द कैरेक्टर ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, इस पे आपके यस और नो आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डज द कोर्ट हैव द पावर टू फॉरबिड एनी क्वेश्चन और द कोर्ट हैज नो पावर टू यू नो आस्क एनी क्वेश्चन एज टू आप कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर ही क्यों रहे हैं या आप ऐसा एविडेंस ला ही क्यों रहे हैं, इसके बारे में कोर्ट के पास कोई पावर है या नहीं? यस और नो? सर आई थिंक यस. सर अब कोई भी कुछ तो कैरेक्टर के बारे में बोल नहीं सकता. रेपुटेशन पे कोई उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, यू कैन नॉट सी एनीथिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, मतलब जो उसकी हार्म करे पब्लिक इमेज पे. ओके, व्हाट इफ इट इज रिलेटेड टू द केस, फिर आप क्या करोगे? सर रिलेटेड टू द केस मतलब अगर जिसके जिसके कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं, if it is one of the facts in issue,
और इफ इट इज समथिंग दैट अफेक्ट्स द फैक्ट्स ऑफ द केस फिर सब डिपेंड करता है सर, सर कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है सर। हाँ बोल रहे हैं राघव जी, उसका आंसर ऐसे है, ये वाला बोल रहे कोर्ट का, देन पावर्स ऑफ कोर्ट आर देयर यू नो टू रिफ्यूज आस्किंग द इंडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 151 ऑफ एविडेंस है। हाउएवर इफ इट रिलेट्स टू फैक्ट्स एंड इश्यू देन देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो, उसकी लैंग्वेज बोलती है ना, कोर्ट में सबमिट एनी क्वेश्चन आर इंक्वायरी व्हिच इज रिगार्ड इंडिसेंट और स्कैंडलस ऑल्दो सच क्वेश्चन इंक्वायरी मे हैव सम बेयरिंग ऑन क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट्स एंड इश्यू जो आपने बोला। चलो सर ने एक डिस्क्रिप्टिव आंसर दे दिया, ठीक है, एंड द मैटर नेसेसरी टू बी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द फैक्चुअल इशू एग्जिस्टेड, ठीक है सर। और थर्ड क्वेश्चन, कैन दिस कैरेक्टर विटनेस बी क्रॉस एग्जामिन, क्या इसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है या नहीं, यस और नो? जिन लोगों ने बोला ऐसा विटनेस आ ही नहीं सकता तो वो तो बोल नहीं सकते कि हाँ क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, जब विटनेस ही नहीं आ सकता तो फिर क्रॉस एग्जामिन कैसे करोगे? जिन्होंने बोला कि हाँ ऐसा विटनेस आ सकता है वो बताओ क्रॉस एग्जामिन हो सकता है या नहीं, और जिन्होंने ना बोला है वो एक बार फिर से सोचो। चलो यस सर, सोच रहा था पर आपने तो मना कर दिया था अक्षत, जब विटनेस आ ही नहीं सकता कैरेक्टर पे तो फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करोगे? नहीं, चलो लेट्स सी इस केस में हो क्या रहा है एंड देन वी लुक एट द रेलेवेंट पैराग्राफ्स एंड लेट्स सी कि कितनी कंफ्यूजन हमारी दूर हो पाती है, ठीक है। सो ये केस सबसे पहले जाता है सेशंस के पास, ठीक है, बिकॉज इट इज अ मर्डर ट्रायल, हम सब लोग जानते हैं कि सेशंस के पास ही जाएगा, ठीक है। सो सेशंस के पास इसका ट्रायल होता है, सेशन ट्रायल के सेक्शन हम सब लोग जानते हैं, सेशन ट्रायल कैसे चलता है, कहां चलता है, क्या प्रोसीजर है उसका, तो 225 से लेके 337 ऑफ द सीआरपीसी में सेशन ट्रायल चलता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि पार्टीज कौन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन लेडी कॉल्ड रामश्री, रामश्री इज द फर्स्ट पार्टी, शी इज मैरिड टू चोकी सिंह, मैरिड टू चोकी सिंह। इन लोगों के तीन बच्चे हैं, एक है मनपाल सिंह, एक है अशोक सिंह और एक है शीला देवी, क्लियर। अब जो ये मनपाल सिंह है इसने शादी करी है विद द डॉटर ऑफ रघुबीर सिंह, रघुबीर सिंह ही है ना जो ऊपर हमने इसकी साइटेशन में देखा, नाम क्या है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुबीर सिंह। तो इस रघुबीर सिंह से, इस रघुबीर सिंह की बेटी से, डॉटर से मनपाल सिंह ने शादी करी है, तो ये इसका फादर इन लॉ हो गया, ठीक है, ठीक है, फादर इन लॉ हो गया, ऑलराइट। अब मनपाल सिंह जो है वो इनसे शादी कर लेने के बाद अपने गांव जलेश्वर से आगरा चला जाता है, आगरा शिफ्ट हो जाता है एंड वहां पे अपने फादर इन लॉ के साथ एक जॉइंट बिजनेस वेंचर शुरू कर देता है, वहां पे उनके साथ काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलो नाउ इसको इस बिजनेस में जरूरत पड़ती है पैसों की, तो ये अपने फादर चोकी सिंह को बोलता है कि आधी प्रॉपर्टी बेच दो और मुझे पैसे दे दो। चोकी सिंह आधी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और इसको पैसे दे देते हैं, हाफ प्रॉपर्टी सोल्ड एंड मनी गिवन टू मनपाल सिंह, राइट। अब चोकी सिंह की डेथ हो जाती है, चोकी सिंह डाइज, पीछे रह गई उनकी बीवी जो है रामश्री। अब ये मनपाल जो है वो रामश्री के पास आता है वापस, मनपाल वही है जिसने आधी प्रॉपर्टी बिकवाई थी और पैसे ले लिए थे। मनपाल अब रामश्री को बोलता है कि माता जी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है, जो हमारे खेत वगैरह है ये आप जो बचा हुआ ये भी मेरे नाम पे कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है। रामश्री सेज नो कि तुम्हारा एक छोटा भाई अशोक भी है, मुझे उसके लिए भी देखना है, तुम पहले ही प्रॉपर्टी ले चुके हो, तुम्हें और प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। इनके बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, एनीवेज थोड़े दिन निकल जाते हैं। उसके बाद मनपाल क्या करता है, स्ट्रैटेजाइज करता है और कहता है कि मैं जाके अब वहां पे ना डायरेक्ट जाके बैठ जाता हूँ और खेत जोतना शुरू कर देता हूँ, जो रोकेगा देखी जाएगी, देख लूंगा क्या करते हैं। तो ये जाता है एंड ही स्टार्ट्स प्लोइंग, ही स्टार्ट्स
plowing the land. His mother comes and she resists. Ki, you cannot do that. Okay? इनके बीच में कहा सुनी होती है और मनपाल कहता है कि ऐसा है अगर मुझे रोकोगे तो मैं ये अशोक को भी मार दूंगा और अपनी लाइन से हटा दूंगा एंड देन आई विल बी द सिंगल लास्ट एयर एंड आई विल गेट द प्रॉपर्टी एनीवे. तो उससे अच्छा आप ऐसी दे दो. अब जो रामश्री थी उसने कुछ खास तवज्जो दिया नहीं इसकी इस थ्रेट को. उसने कहा जो करना कर ले. अब 4-5 दिन बाद फ्रस्ट्रेट होकर मनपाल एंड रघुवीर ये दो लोग आते हैं. मनपाल एंड रघुवीर दो लोग पहुंचते हैं और अशोक को जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है उठाते हैं, इसका गला घोटते हैं, थ्रॉटल करते हैं, इसको गले से पकड़ के खींच के ले जा रहे होते हैं. वो चिल्लाता है तो सामने से उसकी माँ रामश्री और आसपास के कुछ नेबर्स आ जाते हैं. नेबर्स का नाम है आदल सिंह एंड महाराज सिंह. वो चिल्लाता है तो ये लोग आ जाते हैं, बाकी और विलेजर्स भी आते हैं जिनको विटनेस नहीं बनाया गया. सो ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और ये जब बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो मनपाल इनको पिस्टल दिखाता है कि तुम्हें नहीं मरना है तो पीछे हो जाओ, मेरे बीच में बताओ जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो. ठीक है, उसके बाद फाइनली गले बच्चे का गला घोटता है और उसके बाद इसको एक पंप सेट पे फेंक दो. पंप सेट होता है गांव में, मोटर वगैरह लगी होती है ना, तो वहां पे वो पंप से पानी निकालते रहते हैं, पानी भरता रहता है और वो यहाँ से गिर गिर के उनके खेत में पहुंचता रहता है थ्रू डिफरेंट इरिगेशन की गलियां छोटी छोटी बनी होती है ना, उसमें जाता रहता है. तो ये लोग उसका गला घोटते हैं और अशोक को पानी में फेंक देते हैं, बच्चे को पानी में फेंक देते हैं. 6 साल का बच्चा होता है, 6 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो ये अपने भाई को मार देता है, पानी में फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है. ये जिस पंप सेट पे फेंका है, जिस पंप मोटर के आसपास फेंका है, पानी में फेंका है, ये होती है महाराज सिंह की. ये जो शेड वाटर शेड होता है ये होता है महाराज सिंह का. ये महाराज सिंह जिसको विटनेस बनाया गया है. ठीक है, अब ये लोग जब जाके देखते हैं तो बच्चा नेचुरली मर चुका होता है एंड ही इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, दैट इज व्हाट दे सी. एंड उसके बाद ये लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और ये पुलिस के पास कंप्लेंट कर देते हैं. ठीक है, स्टोरी सबको समझ आ गई पूरी? स्टोरी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट हो. ठीक है, अब आ गए हम सेशंस के पास. सेशंस के पास ट्रायल शुरू हुआ. ठीक है, सेशंस के पास जब ट्रायल शुरू होता है तो सेशंस कहती है कि भाई देखो हमारे पास दो विटनेसेस हैं, महाराज सिंह और आदल सिंह. आदल सिंह उसका नेबर है, महाराज सिंह का शेड था. इन दोनों ने देखा कि बच्चे को वो उठा के गए, उसके बाद बच्चे को मारा, अंदर फेंक दिया और उसके बाद भाग गए और उन्होंने देखा कि अंदर बच्चा मरा हुआ है. दो विटनेसेस हमारे पास हैं तो कोई ऐसा कोई मतलब बार नहीं है कि हम ना माने कि भाई इन्होंने मारा है या नहीं मारा है बच्चे को. तो इन्होंने कन्विक्ट कर दिया, इन्होंने कन्विक्शन कर दी. ठीक है, कन्विक्शन करी 364 आईपीसी रेड विथ 302 आईपीसी प्लस 34. ठीक है, 34 इज आर कॉमन इंटेंशन, 302 364 आप सब लोग जानते हैं मर्डर और उठा के ले जाना. ठीक है, इसमें कन्विक्शन कर दी. 364 के लिए 5 ईयर्स रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, 302 के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये दो सजाएं करी. ठीक है ना, अच्छा ये जो लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड 5 साल करी है ये किस तरह से चलेगी, एनीबॉडी एनी आइडिया? लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है और 5 साल भी है. जनरल प्रिंसिपल पनिशमेंट का कहता है कि एक पनिशमेंट के बाद सब्सिक्वेंटली दूसरी पनिशमेंट चलनी चाहिए. अब लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ साथ ये चलेगी या सब्सिक्वेंट चलेगी? सब्सिक्वेंट तो वैसे चल नहीं सकती, प्रैक्टिकल बात करंट हो जाएगी. करंट कौन से सेक्शन में होगी सर, ये पूछ रहा हूँ, कहाँ पे होगी, ऐसा कहाँ लिखा है कि रेकरेंट होगी? सीआरपीसी में है, सीआरपीसी में, बिल्कुल सही बात है. और अगर यहाँ पे 5 साल + 7 साल होता तो ये सब्सिक्वेंट चल सकती थी. नहीं, बट रिक्वेस्ट करने के बाद भी तो कंकरेंट चल सकती. हाँ, तो कॉन्करेंट करने की पावर्स कहाँ है और लाइफ इंप्रिजनमेंट के केस में ऑटोमेटिक कॉन्करेंस की का प्रावधान कहाँ पे है? सो कॉन्करेंट करने की एप्लीकेशन और डिस्क्रिशन सेक्शन 31 सीआरपीसी में, 31 सीआरपीसी. और जो ऑटोमेटिकली कॉन्करेंट चलती है लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ कोई भी सजा दी हुई हो वो दी हुई है 427 ऑफ सीआरपीसी में. एक बार रीड कर लेते हैं, एनीबॉडी हु हैज 31 प्लीज रीड. Okay, I'll read it. Yes, sir. Sentence in cases of conviction of several offenses at one trial. When a person is convicted at one trial of two or more offenses, the court may subject to provisions of Section 71 of IPC sentence him for such offenses to the several punishments prescribed there. Therefore, which such court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order
as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. Now, this was clause one of these. बस सर इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे नहीं जाना. सो बेसिकली 31 गाइस, 31 यही कह रहा है कि जब जब आप पनिशमेंट दोगे, जब सेवरल ऑफेंसेस की बात होती है, यहाँ पे दो ऑफेंसेस लगाए गए हैं ना, 364 एंड 302, तो जब जब आप ये दोगे तो एक के बाद एक चलेगा. अनलेस द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स, अनलेस द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स कि द पनिशमेंट विल रन कॉन्करेंटली. तो मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर 31 में है कि वो कॉन्करेंट भी चला सकता है और सबसिक्वेंट भी चला सकता है. एज अ लॉयर ये आपकी ड्यूटी होती है कि भाई अगर सेवरल है तो आप मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करोगे सर कॉन्करेंट कर दो. तो 7 और 5 साल एक साथ चलेंगे तो मतलब टोटल वो 7 साल, जो बड़ी सजा होगी वो ही काटेगा, 5 साल उसके अंदर ही खत्म हो जाएंगे. अगर सबसिक्वेंट हो जाएगा तो 5 और 7 12 हो जाएगा. तो आप 5 साल वो बचा सकते हो अपने क्लाइंट के लिए बाय सेइंग दैट सर 31 में आप कॉन्करेंट कर सकते हैं. अब जो ऑटोमेटिकली कॉन्करेंट हो जाने वाला प्रोविजन है वो है 427. टंडन सर 427 पढ़ेंगे आप. सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस. इसका क्लॉज वन इट सेज व्हेन अ पर्सन ऑलरेडी अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज सेंटेंस ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन टू इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सच इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल कमेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू व्हिच ही हैज बीन प्रीवियसली सेंटेंस्ड, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट सब्सिक्वेंट सेंटेंस शैल रन कंकरेंटली विद सच प्रीवियस सेंटेंस. देन प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन हू हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट by an order under section 122 in default of furnishing security while undergoing such sentence imprisonment for an offence committed prior to making of such order, the later sentence shall commence immediately. अब ये subsection 2 important है. Subsection 2 is important. Subsection 2, when a person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. तो life imprisonment अगर है और आपको subsequent conviction हो रही है, उसमें आपको टर्म दी जाए या लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाए, पिछली वाली तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है ही, तो आपने वैसे तो लाइफ के लिए रहना ही रहना है, आगे वो कुछ भी दे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो कॉन्करेंट ही चलती है, उसको हम कॉन्करेंट मान के ही चलते हैं. ठीक है, सो 427 ये हुआ. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब जो हमारी सेशंस कोर्ट थी उन्होंने कन्विक्ट कर दिया, ये कह के कि हमारे पास सफिशियंट एविडेंस है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है इसके लिए, तो हमें कुछ खास इसमें सोचने समझने की वगैरह की कोई जरूरत है नहीं और इसको कन्विक्ट कर दिया जाए. ओके, नाउ जो अक्यूज्ड है, द अक्यूज्ड रघुवीर सिंह एंड मनपाल सिंह ये लोग अपील कर देते हैं, ये पेटिशन लगा देते हैं हाईकोर्ट में. सेशन से हाईकोर्ट में ही जाओगे आप, सेशन से अपील हाईकोर्ट में ही जाती है, ये बात सबको पता है. लेट्स गो टू द सीआरपीसी अगेन, लेट्स रेफर सीआरपीसी कहाँ लिखा हुआ है. एनीबडी एनी आइडिया कहाँ लिखा हुआ है कि आप सेशन से हाईकोर्ट में जाते हो अपील के लिए, और किस तरह से जाते हो, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? इज इट अ पेटिशन, अ रिट, व्हाट डू यू डू? एनी आइडिया एनीबडी? अपील. Right, sir. 374 में appeals from conviction है जो कहता है any person convicted on a trial held by high court in its extraordinary criminal jurisdiction may appeal to the Supreme Court. वो Supreme Court जा सकता है. Any person convicted on a trial held by sessions or additional sessions judge, इन दोनों की same power होती है, or on a trial held by any other court in which a sentence of imprisonment for more than 7 साल has been passed against him or against any other person convicted on the same trial may appeal to the High Court. हाईकोर्ट के पास चले जाएगा. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी जितनी भी नीचे की कोर्ट्स हैं उसके लिए आप सेशन के पास जाते हो. ठीक है, तो 374 हमें बताता है कि कन्विक्शन से अपील कौन से सेक्शन में होती है और किस तरह से होती है, ये कहां पे लिखा हुआ है, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है. दैट इंस्ट्रूमेंट इज रिटन इन 382. कैन वी लुक एट 382? एनीबडी इंटरेस्टेड इन रीडिंग? Petition of appeal. Every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant to his of his leader, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise directs, be accompanied by a copy of judgment or order appealed against. Bas. So 382 हमें बताता है कि किस form में जाएगी. So it's a petition, petition of appeal, appeal petition बना दी, right? उसके साथ आप judgment लगाओगे, right?
सो जजमेंट की कॉपी साथ में लगनी होती है, विच इज अ मैंडेटरी प्रोविजन. तो अगर जजमेंट की कॉपी नहीं मिलती है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है. दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन एज वेल. दैट बीइंग अ डिफरेंट पॉइंट, उसे छोड़ देते हैं. नाउ अब इसमें अपील कर दी उन्होंने, ये हाईकोर्ट के पास पहुंच गए. नेचुरली सेशंस के पास अगर अपील होगी तो आप हाईकोर्ट पहुंचोगे, ठीक है, फ्रॉम सेशंस टू हाईकोर्ट. अब जब हाईकोर्ट के पास पहुंचे तो हाईकोर्ट ने यह फैसला बदल दिया, हाईकोर्ट ने पलटी मार दी. हाईकोर्ट ने कहा कन्विक्शन गलत हुई है, दिस कन्विक्शन इज बैड इन लॉ. वाई इज इट बैड इन लॉ? बिकॉज इनका कहना यह था कि सेशंस कोर्ट ने ओवरलुक कर दिया है वन अदर पीस ऑफ एविडेंस. वो अदर पीस ऑफ एविडेंस क्या था? शीला देवी जो बेटी थी ना, शीला देवी, वो डिफेंस विटनेस बनी थी DW, और उसने डिफेंस में आके एज अ कैरेक्टर विटनेस, एज अ कैरेक्टर विटनेस बात करी, अपनी माँ के कैरेक्टर के अगेंस्ट बात करने आई थी वो. सो पहला क्वेश्चन हमारा यहां सॉल्व हो जाता है कि कैरेक्टर विटनेस कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है. और उसने कैरेक्टर विटनेस ने कोर्ट में आके क्या बोला, ये बोला कि सर ये शीला देवी जो है ना, जब मेरे कौन से प्रोविजन में आएंगे, कौन से प्रोविजन में आएंगे 140 सर, कैरेक्टर विटनेस, ठीक है. सो शीला देवी ने कोर्ट में आके बोला कि सर मैं डिफेंस विटनेस हूं, और ये जो मेरी माँ कह रही है कि मेरे बेटे को लेके गए सामने से, ये वो, इन चीजों को मानना नहीं जाना चाहिए. जो इन्होंने कहा है कि मुझे इसने आके धमकी दी थी मैं अशोक को मार दूंगा, मैंने परसिस्ट किया, इसने अपने बाप से आधी प्रॉपर्टी मांगी, ये सारी चीजें जितनी भी उन्होंने अपनी FIR में लिखवाई और जितनी भी इन्होंने एविडेंस दी और ये सारी चीजें इन्होंने करी, इन पे नहीं माना जाना चाहिए. हाई भाई कोर्ट ने पूछा क्यों, क्यों नहीं माना जाना चाहिए? तो शीला देवी कहती हैं कि सर ये जब चोकी सिंह जिंदा थे तब भी एक बंदे के साथ, एक और आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी जिसका नाम था रामपाल, और जब वो मर गए उसके बाद भी थी, और यही नहीं, ये उसके बाद उसके घर जाके रहने लग गई थी, और कई बार लोगों ने देखा है दैट दे हैव बीन शेयरिंग द सेम कॉट, दे वर शेयरिंग द सेम बेड. And thus, she does not have a good character. And because she does not have a good character, we should not believe in what she is doing or what she is saying. ऐसा बोला High Court ने. और इस basis पे High Court ने कहा कि आपने ये जो DW थी, इसकी statements को consider नहीं किया है as to the character of the mother, रामश्री. तो आपकी जो conviction की judgment है वो गलत है. अब आपको क्या लगता है Supreme Court क्या करेगी? What do you think? Supreme Court में क्या कंसीडर नहीं किया, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई थी सर, कंसीडर नहीं है मतलब उसको तरीके, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है, हुआ है, मगर जो सेशंस कोर्ट है उन्होंने अपनी जजमेंट में, जब उन्होंने जजमेंट लिखी अपनी, तो उन्होंने उसमें इसकी statement, नहीं, इसकी स्टेटमेंट के बारे में कोई खास बात नहीं करी कि इसका क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उस बारे में कुछ बोला ही नहीं. तो बेसिकली हाईकोर्ट ये कहना चाहती है कि भाई तुमने देखा ही नहीं डिफेंस की जो स्टेटमेंट थी और जो कैरेक्टर विटनेस आया था उसके बारे में तुमने कोई बात ही नहीं करी अपनी जजमेंट में. तो इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग द होल एविडेंस देन योर जजमेंट इज रॉन्ग, आपकी जजमेंट गलत है, ये तो इसका कैरेक्टर पे इसने बात करी है, एंड दैट कैरेक्टर शुड बी यू नो टेकन इनटू पॉइंट, इट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. नाउ आपको क्या लगता है कि अगर एक अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है, अगर एक अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां पे अपील में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? एक्विटल बरकरार रहेगा या उसको बदल दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, कन्विक्शन को वापस लाया जाएगा, क्या होगा? कन्विक्शन वापस आएगा सर मेरे ख्याल से. Okay. अखिलेश से कन्विक्शन वापस आएगा, राजेश सर ने भी साथ ही साथ अपना दे दिया है. यस, एनीबॉडी एल्स? अच्छा ये बताओ कि फिर ये जो सेशंस का पूरा जो कन्विक्शन जजमेंट बदल दिया गया, ये किस सेक्शन के अंडर बदला है? इतनी पावर हाईकोर्ट को किसने दे दी? कौन सा सेक्शन इतनी पावर देता है हाईकोर्ट को कि भाई अपील में एक जजमेंट का पूरा सार बदल दिया जाए, कन्विक्शन से एक्विटल कर दिया जाए? Anybody? check करेंगे. Anybody with 386? Can you please read? 386 of CRPC. Yes. Power of appellate court after pursuing such record and hearing the appellant or his leader, if he appears as the public prosecutor and if he appears and in case of appeal under section 377 or 370 section 378. The accused, if he appears, the appellate court may, if it considers that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal, or may, in an appeal from order of acquittal, reverse that order and direct that further inquiry be made, or that accused be retried or committed for trial as the case may be, or find him guilty and pass sentence on him according to law. बस, in बस, an appeal from ये हो गया ना, पहले ही पॉइंट में आ गया.
इन एन अपील फ्रॉम एक्विटल यू कैन रिवर्स द ऑर्डर. जो अपीलेट कोर्ट है वो रिवर्स कर सकती है, बात खत्म, यहाँ पे पावर मिल जाती है, राइट right? ठीक है चलो. तो हाई कोर्ट ने अपनी पावर एक्सरसाइज करी और कन्विक्शन को एक्विटल में बदल दिया इस बेसिस पे कि आपने डीडब्ल्यू की एविडेंस नहीं देखी एज टू कैरेक्टर. अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सिर्फ रघुवीर सिंह पहुंचे हैं, क्योंकि जो मनपाल सिंह है उनकी डेथ हो चुकी है. मनपाल सिंह इज नाउ डिसीज्ड. और मनपाल सिंह ऑब्वियसली डिसीज हो चुके हैं तो इनके खिलाफ तो अबेट हो जाएगी ना, इनके खिलाफ तो मुकदमा अपील अबेट हो जाएगी. वेयर इज दैट रिटन? एनीबॉडी? वेयर इज दैट रिटन इन द सीआरपीसी कि अगर आप मर जाएं तो आपके खिलाफ मुकदमा बंद हो जाता है और आपके जो लीगल एयर्स हैं वो चाहे तो मुकदमा बढ़ा भी सकते हैं आगे, आपका नाम साफ करने के लिए, आपको क्लियर आउट करने के लिए. वो 30 दिन में कोर्ट में आके कह सकते हैं कि हम इसको मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डू नॉट अबेट इट, हम पूरा लड़ना चाहते हैं, अपने फादर का नाम या जिसका भी नाम है उसको साफ करना चाहते हैं. 394 चेक करेंगे, सेक्शन 394 सीआरपीसी. यस राइट सर. एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378 शैल फाइनली अबेट ऑन डेथ ऑफ द अक्यूज्ड. डेथ ऑफ द अक्यूज्ड राइट. तो यहाँ पे यही सेक्शन के अंडर मनपाल सिंह के खिलाफ तो अबेट हो गई. अब जो मर गया उसको क्या दोगे आप? कुछ नहीं दे सकते. सिविल केसेस में नहीं होता ये. सिविल के जो केस होते हैं उसमें अबेट नहीं होता. उसमें जो आपके जो सेक्शन 51 और सेक्शन 211 ऑफ सीपीसी के हिसाब से जो भी लीगल एयर्स हैं दे विल बी लायबल एज टू द एस्टेट दैट दे आर गोइंग टू एक्वायर फ्रॉम द पर्सन हु हैज डाइड. वहां पे अबेट नहीं होता. यहाँ अबेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम किसी को सजा देने की बात करते हैं. यहाँ पे जो बेसिक एंड होता है प्रोसिक्यूशन का वो होता है कि उसको कन्विक्शन हो, वो जेल में जाए. अब जो मर चुका है उसको क्या, वो तो डाल नहीं दोगे धड़ जेल में, राइट? तो इनके खिलाफ अबेट हो गए. ओके, नाउ रघुवीर सिंह इज स्टैंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन कि ये जो डीडब्ल्यू की एविडेंस थी, जो स्टेटमेंट्स थी, जो एविडेंस हुई थी इसकी, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसको छोड़ देने की वजह से हाईकोर्ट ओवरटर्न कर देता जजमेंट को. और एक कैरेक्टर के ऊपर जब एविडेंस आती है या एक कैरेक्टर के ऊपर कोई स्टेटमेंट आती है वो कौन से सेक्शन में आती है और वो सेक्शन यूज करके किस हद तक एक केस को पलटा जा सकता है और कौन से केस में पलटा जा सकता है, ठीक है? इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी. नाउ लेट्स गो एंड रीड व्हाट दे हैव रिटन इन द जजमेंट. ये साइटेशन अगर किसी को देखनी हो तो एक बार फिर से देख लेना. स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुबीर सिंह 13 दिसंबर 1996. द ऑथर इज ऑनरेबल जस्टिस केटी थॉमस. द बेंच वाज एमएम पंछी एंड केटी थॉमस. ठीक है, लेट्स गो. अब इसके अंदर क्या क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं. अब वो कहता है that the division bench of High Court of Allahabad, which reversed the conviction and sentence, made scathing criticism on the judgment of the trial court. Trial court ki ninda kari High Court ne. The division bench of the High Court assailed the sessions judge, observing that he has not even cared to look into the statement of defense witness Sheila Devi. Aapne properly dekha hi nahi unki statement ko. Learned counsel who argued for the appellant state, jisne state ke liye argue kiya, state aayi thi na court mein, ki sir inko convict kiya jaye. Has pointed out that the division bench of High Court has overlooked the fair dealing by the sessions judge to the defense witness and the rightful reasons adverted to by him declining to act on her evidence. Counsel then contended that the division bench was totally unjustified in interfering with the well-reasoned conviction. There is no doubt that child Ashok was murdered by throttling. Dr. Daya Shankar, who conducted the autopsy, had given adequate data in post-mortem report to support his finding that the child was murdered by throttling. So, पहली बात हमें ये तो पता ही है कि बच्चा गला घुटने की वजह से मरा है. इतनी बात तो हमें पता ही है. देर इज नो डिस्प्यूट दैट बॉडी ऑफ द चाइल्ड वॉज फाउंड इन द वॉटर ऑफ द पंप विच वॉज सेट इन महाराज सिंह शेड. महाराज सिंह के शेड में वो बच्चा मिला, ये भी हम लोगों को पता है. इतनी तो बात रिपोर्ट पे आई, तो छूटने तो ये वाले थे नहीं. ठीक है, वी ऑलरेडी हैड इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट दीज पीपल. अब अगर डीडब्ल्यू वन जो शीला देवी है उसकी अगर वो कैरेक्टर के ऊपर जो बोलने आई है, अगर वो मान भी लिया जाता तो उसका क्या फर्क पड़ता, उस चीज पे बात करने वाले.
if the aforesaid if the aforesaid evidence is accepted by the court, there is no escape for the accused from conviction of the murder of the child. But the learned judges of division bench of the High Court swept off PW1 Ramchari solely on the ground that her daughter Sheila Devi spoke derisively of the moral character of the mother. तो इन्होंने जो रामश्री की जो स्टेटमेंट थी हाई कोर्ट वालों ने उसको स्वीप ऑफ कर दिया, उसको पूरा ही झाड़ू मार दी, जस्ट बिकॉज उसकी बेटी ने उसके मॉरल कैरेक्टर के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी. ट्रू, DW1 सेड इन हर एविडेंस दैट हर मदर वाज लिविंग इन एडल्ट्री विद वन रामपाल इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ चोकी सिंह. दोज इम्प्यूटेशंस मेड बाय द डॉटर वर डिसबिलीव बाय द सेशन जज. सेशन जज ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी थी. हाई कोर्ट ने बोला कि भाई उसने मॉरल के ऊपर इतनी बड़ी बात कही है, आप उसको नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसे, इग्नोर नहीं कर सकते, और आप उस बेसिस पे हम इसको ओवरटर्न करते हैं क्योंकि PW1 का ही एविडेंस स्वीप ऑफ हो जाता है उसकी वजह से. वी मे एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ द सेशंस डीलिंग विद द एविडेंस. नाउ सेशंस कोर्ट ने DW1 के एविडेंस पे क्या कहा था, इट इज द सेशंस कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, उन्होंने क्या कहा था. इन दिस केस द टेस्टिमनी ऑफ श्रीमती रामश्री रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ मर्डर एज सच हैज रिमेन्ड अनशेकन. She deserves greater reliance because she is the own mother of the accused Manpal Singh. वो उसकी खुद की माँ है और उसके अगेंस्ट एविडेंस दे रही है, उसके अगेंस्ट ही PW1 बन के आई है, उसको वो रिलायंस मिलनी चाहिए. ठीक है. The defense also tried to assail her character by suggesting that she had illicit relations with one Rampal who is the sadhu of Maharaj Singh. I regard this attempt only as a cruda method of saving the accused. Sessions court ने नहीं माना. Sessions court ने कहा कि कुछ खास इसमें है नहीं, character की वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. The allegation against Srimati Ramshri was that she had illicit relationship with Rampal. But her daughter, Srimati Sheila Devi, who has been examined in defense, examination hua, character witness ka examination hua, says that Srimati Ramshri was carrying on illicit relationship with Rampal and Edel Singh at the same time. She came out with a version that her mother, Ramshri, had quit living with the father and had adopted residence in a kotri of shopkeeper of her village, which was situated considerably away from the residential house. Aur in logon ko saath mein bhi dekha gaya tha, blah, blah, blah. Ye sari cheeze unhone batai. Aur Sessions Court ne kaha, obviously these statements do not deserve the credence whatsoever. Sessions Court ने मानने से मना कर दिया. इसमें कोई खास material नहीं है, इसकी वजह से कुछ change नहीं होता case के अंदर. But the division bench of the High Court evidently overlooking the above discussion. High Court ने इस discussion को overlook किया और ये बोला कि Sessions Court ने कोई खास बात करी ही नहीं है Sheila Devi के evidence के ऊपर. वही चीज का excerpt इन्होंने यहाँ पे लगाया. अब आगे आता है वो law के बारे में बात करते हैं. This part is important. ठीक है. I cannot see anybody on video. Can you please turn on your videos, everybody? Okay, thank you. Now comes the law. Okay, short में बात करिए, बहुत लंबी judgment ये है नहीं. हमें basically बस यही जानना है कि character पे witness आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, उनका कोई cross examination हो सकता है नहीं हो सकता है, और character पे जो witness आया है और evidence दिया है उसका किस जगह पे importance होगी. This is the most important question. कितनी importance होगी और किस जगह पे importance होगी. ठीक है. That is what we are coming to. The division bench reiterated it in a stronger terms as the in the penultimate portion of the judgment. Thus, it is unfortunate that learned sessions judge has not even cared to look into Sheila Devi's statement. It was uncharitable on the part of the division bench to have made a baseless criticism of the sessions judge. ये Supreme Court का opinion है कि जो High Court निंदा कर रही है sessions की, ये कह के कि आपने Sheila Devi की statement देखी तक नहीं, High Court ने ये देखा ही नहीं कि उन्होंने judgment में उसके बारे में पूरा एक paragraph लिखा है, और तब जाके ये decision लिया है कि उसकी जो भी evidence आई है on character, जो भी evidence आई है on character, does not make much sense. उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. Now the question is that should the court have allowed defense witness to make such imputation on the moral character of her mother in a case where the fact and issue was whether the accused have kidnapped or murdered her son. Now let's come to the slide again. Let's try to understand ki ye question kya hai aur hamare liye kya clear kar raha hai. So shuru mein hi humne ye sab question wagera puche na apne aap se ki character ka kitna farak padega character witness ka. Ab yahan pe Supreme Court same cheez puch rahi hai, keh rahi hai ki pehli cheez, should the court have allowed, पहली बात तो कोर्ट की कितनी पावर होती है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. सच एविडेंस ऑन कैरेक्टर, ऑन द कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर की बात हो रही है, मॉरल कैरेक्टर ऑफ द मदर बाय द डॉटर. तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया कि कैरेक्टर के ऊपर एविडेंस आ सकता है या नहीं आ सकता है, और आखिरी पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन दिस केस वेयर द क्वेश्चन इज वेदर मनपाल सिंह एंड रघुबीर सिंह हैड मर्डर्ड
अशोक, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि इस सिचुएशन में, इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में, क्या ये कैरेक्टर वाली जो बात आ रही है, मॉरल कैरेक्टर जो वो बता रही है, उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? सो तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपसे शुरू में पूछे उनका यहाँ जवाब मिल जाता है. हमें ये जवाब तो मिल ही चुका कि कैरेक्टर विटनेस ऑब्वियसली दे कैन कम टू द कोर्ट. यस, आप कैरेक्टर पे विटनेस ला सकते हैं, ठीक है. सेकेंड, कोर्ट कब अलाउ करेगी और कब नहीं अलाउ करेगी, इस चीज के ऊपर लॉ क्या कहता है, ये सेकेंड चीज, ठीक है. देन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो इस केस के हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द रेलेवेंस हियर, ठीक है. तो ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हमने शुरू में ही डिस्कस किया, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को हमें देखना पड़ेगा. कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन आप लाने की कोशिश कर रहे हो, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसकी रेलेवेंसी होगी. इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में, ए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में वो रेलेवेंट हो सकते हैं, बी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में मे बी दे आर नॉट रेलेवेंट. जब हम मर्डर की बात कर रहे हैं एक बच्चे की, तो फिर आप उसकी माँ का क्या कैरेक्टर है, वो किसके साथ सोती है, खाती है, पीती है, गाना गाती है, डांस करती है, उससे हमें क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है. इस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में उसका कोई मतलब नहीं है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस ऑफ 376, रेप वेप की बात हो रही है, वहां पे कोई मॉरल की बात हो, वहां पे कोई मॉरल की बात हो या कैरेक्टर की बात हो, तो कोई मतलब बनता है कि भाई अगली का काम ही यही है, तब तो वहां उसकी कोई रेलेवेंस होगी. ये नहीं कह रहे कि अगर आप ये लाके दिखा दोगे कि ये तो यूजुअली शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन और शी हैज बीन इनटू प्रोस्टिट्यूशन, शी हैज बीन स्लीपिंग विद सो एंड सो मेनी गाइस, या ही हैज बीन स्लीपिंग विद सो एंड सो मेनी गाइस, इसकी वजह से ये नहीं हो जाएगा कि केस ही पूरा का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा. बट रेलेवेंट वो होगा, कोर्ट के सामने ये बात रेलेवेंट होगी कि इसका कैरेक्टर क्या है. फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, द मेन थिंग इज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो कैरेक्टर विटनेस आ सकता है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन हो सकती है, वो तो 140 कह ही रहा है, नहीं तो वो क्वेश्चन, वो सेक्शन ही क्यों होता. तो कैरेक्टर विटनेस आ सकता है, उसकी एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन हो सकती है. नाउ कब वो रेलेवेंट होगा कब नहीं होगा, वो एक अगला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. लेट्स सी कोर्ट आगे क्या समझाती है हमें. और नाउ द क्वेश्चन इज, शुड द कोर्ट हैव अलाउड द डिफेंस विटनेस टू मेक सच इंप्यूटेशंस ऑन द मॉरल कैरेक्टर ऑफ हर मदर इन अ केस वेयर द फैक्ट इन इशू, यहां पे फैक्ट इन इशू क्या है, वाज वेदर द अक्यूज्ड वाज किडनैप्ड एंड वेदर द अक्यूज्ड हैव किडनैप्ड एंड मर्डर्ड हर सन. ओके, फैक्ट एंड इशू हम सब लोग जानते हैं ना, फैक्ट एंड इशू को डिफाइन भी किया गया है हमारी एविडेंस एक्ट में. फैक्ट एंड इशू को डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में. लेट्स लुक एट इट, डेफिनेशंस में चलते हैं सेक्शन 3 में. रेलेवेंट के बाद फैक्ट एंड इशू अगली डेफिनेशन है, और वो कहती है द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any proceeding necessarily follows. ठीक है, so fact and issue क्या होता है, कोई भी ऐसा fact जो अपने आप से या दूसरे facts के साथ मिलके किसी भी चीज की existence, non-existence, nature या extent of any right, liability or disability को decide कराने में हमारी help करता है. अगर उस चीज का जवाब दे दिया गया तो पता चल जाएगा कि किसी का कोई right है, किसी की कोई liability है, या जो भी assertion कर रहा है वो ठीक है या गलत है. फैक्ट एंड इशू वो होता है जो क्वेश्चन है हमारे, जो हमारा मैटर चल रहा है उसमें क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की वजह से किसी की राइट एंड लाइबिलिटी पता चलेगी. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जहां पे फैक्ट एंड इशू ये है कि उसका मर्डर किया गया है, वहां पे मदर का कैरेक्टर, डज दैट मेक एनी इंपॉर्टेंस, एनी थिंग ऑफ इंपॉर्टेंस? तो वो बात करते हैं सेक्शन 140 की. कहते हैं सेक्शन 140 ऑफ द एविडेंस एक्ट परमिट्स द विटनेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड. ये बात हमें पहले से पता है, इसी पे हम बात करते अभी तक आए हैं. सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है ऑब्वियसली इट अलाउज कि हम कैरेक्टर टू विटनेस ला सकते हैं और उसकी एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन सब कर सकते हैं. अब जब ये पता चल जाता है तो हम सेक्शन 155 की तरफ चलते हैं. सेक्शन 155 ऑफ द एक्ट परमिट्स द एडवर्स पार्टी टू इंपीच द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस इन द मोड्स एन्यूमरेटेड इन द सेक्शन. 155 भी हमने लास्ट क्लास में देखा था. 155 हमें तीन तरीके बताता है किसी के क्रेडिट को, किसी भी विटनेस के क्रेडिट को शेक करने के लिए. वो तीन तरीके क्या है, आप या तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाओ, या आप उसको दिखाओ कि इसने तो किसी से घूस खाई है, that he or she has been bribed, or या फिर आप ये दिखाओ कि उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है. राइट, 155 पे चलेंगे. 155 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं मैं. 155 इट सेज दैट द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस, विटनेस ही आया है इस केस में, द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस मे बी इंपीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम. जो बुला रहा है वो उसके कैरेक्टर में बात कंसेंट लेके करता है, जो एडवर्स पार्टी ऑब्वियसली वो आके शेक कर सकती है क्रेडिट अगली पार्टी के विटनेस का. किन किन तरीकों से, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाइज दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट. या तो आप ऐसा बंदा लेके आओ जो बताए कि सर देखो इसकी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से इसको ये वर्दी नहीं है, इसका सो एंड सो सीन है इधर उधर.
या फिर आप प्रूफ दो कि उसको घूस खिलाई गई है दैट ही हैज बीन ब्राइब्ड, या फिर आप पुरानी स्टेटमेंट्स के साथ इनकंसिस्टेंसी दिखाओ, कॉन्ट्राडिक्शन जो 145 में हम बात करते हैं, सेक्शन 145 में बात हो रही थी ना कॉन्ट्राडिक्शन की, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कॉन्ट्राडिक्शन ले आते हो, ठीक है? सो वो कहते हैं 155 परमिट करता है कि आप इम्पीच कर सकते हैं क्रेडिट एक विटनेस का, और 140 कहता है कि एक विटनेस टू कैरेक्टर आ सकता है, तो मतलब आप विटनेस टू कैरेक्टर को लेके आ सकते हैं और किसी के क्रेडिट को इम्पीच करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया जा रहा है, ठीक है? तो DW1 को जो कोर्ट में लाया गया है वो सही लाया गया है नहीं, वो तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है कि भाई एक बंदा जो सिर्फ कैरेक्टर पे बोलने आया है वो लाया जा सकता है, किसी के क्रेडिट को शेक करने के लिए बंदे को लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 140 रेड विद 155। यहां तक क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ ये मोड्स के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट मोड है जिसमें आप एड्यूसिंग द एविडेंस ऑफ पर्सन हु टेस्टिफाई दैट दे बिलीव द विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। पहले तो आप लोगों को ला सकते हो जो बताएंगे कि वो अनवर्दी है क्रेडिट के। क्वेश्चंस टू इलिसिट इनडिसेंट और स्कैंडलस इंप्यूटेशंस फ्रॉम विटनेस इन गाइज टू शेक क्रेडिट ऑफ अनदर विटनेस ऑफ द पार्टी शुड नॉट हैव बीन परमिटेड। वो कहता है कि इनडिसेंट या अगर स्कैंडलस इंप्यूटेशन है इन द गाइज ऑफ शेकिंग क्रेडिट, आप बोल के तो ये ला रहे हो कि सर इसकी अगर मैं ये विटनेस ले आऊंगा ना तो इसका जो वर्दी जो है इसके क्रेडिट की, जो इसका क्रेडिट है मैं उसको हिला दूंगा और इसकी जो भी विटनेस आई है, जो भी एविडेंस आई है वो खराब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, आई विल शेक इट। आप उसकी उसके बेस में उसके पीछे आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करो, दैट शुड नॉट बी अलाउड। मगर अब आगे क्या बोलेगा, सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट सैडल्स एवरी ट्रायल कोर्ट विद द पावर टू फोरहोल्ड सच क्वेश्चंस although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the court unless they relate to the fact in issue। agar koi normally ek character witness aa raha hai, ye thoda kisi confusing ho sakta hai aapke liye ki kya bola abhi wo kehna cha rahe hain ki character witness aap leke aa sakte ho, wo character witness jo aaya hai wo evidence bhi de sakta hai, theek hai? magar aisa na ho ki wo jo witness character ke upar baat karne aaya hai wo evidence ke naam pe kisi ka sirf character assassination karne aaya ho aur scandalous questions poochne ki koshish kar raha ho, that should not happen। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो सेक्शन 151 में कोर्ट ऐसे क्वेश्चंस को मना कर सकती है और ऐसे एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड आने से मना कर सकती है, दैट इज द ओनली बार। स्कैंडलस और इंडिसेंट नहीं होना चाहिए। मगर अगर वो फैक्ट्स एंड इशू के साथ रिलेटेड है और वो रेलेवेंट है तो फिर वो एविडेंस रिकॉर्ड पे लाया जा सकता है टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है? अब वो आगे एक दो केसेस बताते हैं। इन एन अर्ली डिसीजन ऑफ द पटना हाई कोर्ट इन मोहम्मद मियां वर्सेस एम्परर, it was pointed out that if inquiries involving any scandalous matters are made with the purpose of shaking the credit of a witness, the court has complete dominion over them and may forbid such questions even though they may have some bearing on the question before the court। halki pulki bearing unki ho sakti hai, magar agar wo sirf court ko aisa lagta hai ki sirf scandalous aur indecent hai to unko forbid kiya ja sakta hai, jaisa ki yahan pe ho raha tha। sheela devi ek murder case mein aake bol rahi hai ki meri maa idhar soti hai udhar soti hai, usse kya farak padta hai, murder to murder hai। हम यहां पे कोई रेप केस की बात तो कर नहीं रहे, छेड़खानी की बात तो कर नहीं रहे, राइट? तो फिर यहां पे कोई फर्क पड़ता है उस चीज से? तो वो यही कह रहे हैं कि कोर्ट के पास कंप्लीट डोमिनियन है कि आप फॉरबिड कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, इवन दो देयर इज सम रेलेवेंस एज टू द फैक्ट्स एंड इशू, मगर अदरवाइज वो जो एविडेंस है कैरेक्टर विटनेस की वो रिकॉर्ड पे लाई जा सकती है। राजेश सर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस, यू हैव एक्चुअली बाय यू नो लेटेस्ट स्टेटमेंट यू हैव एक्चुअली टू सम एक्सटेंट सेटल्ड माय क्वेरी। माय क्वेरी वाज यू नो जब वो करेक्टर के ऊपर बात करेगा तो स्कैंडलस एंड डिसेंट क्वेश्चन तो उठेंगे ही उठेंगे, बट ये है कि अगर फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है, इट मीन व्हाट आई एम सेइंग, इट मे बी अ कंट्रीब्यूशन टू द क्लास, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट द मोमेंट इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू दे मे नॉट अपियर टू बी इंडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन, द मोमेंट इट इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट इट विल बिकम अ स्कैंडलस एंड डिसेंट क्वेश्चन। परफेक्ट सर, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं वो, तो हम ये नहीं कह सकते कि कैरेक्टर विटनेस आएगा ही नहीं। रेप केस के अंदर अगर कैरेक्टर की बात हो रही है तो वो कितना भी इंडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन हो वो आई थिंक उस पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है, यहां ये इंडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम अगर मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर अनचेस्टिटी एक पॉइंट है लॉ में, तो भैया कैरेक्टर के ऊपर आप विटनेस लाओगे ही लाओगे, दैट विल मेक सेंस बिकॉज इट हैज बियरिंग एज टू द फैक्ट्स एंड इश्यू। उसी तरह से अगर आप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, इनहेरिटेंस में अगर आप ये दिखा रहे हो कि ये 50 लोगों के साथ रही है या वो 50 लोगों के साथ रहा है और ये बच्चा मेरा है ही नहीं तो ये इनहेरिट क्यों करेगा, देन अगेन कैरेक्टर के ऊपर जो आ रहा है दैट इज रेलेवेंट। वो आगे जजमेंट में ये बता भी रहे हैं, अब आगे बहुत रेलेवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आगे वो कहता है बट द कोर्ट मे हैव नॉट डिस्क्रिशन टू फॉरबिड सच क्वेश्चंस. देखो आप फॉरबिड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई खास बियरिंग नहीं है, बट द कोर्ट मे नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू फॉरबिड सच क्वेश्चंस इफ दे रिलेट टू द फैक्ट्स इन इशू और टू मैटर्स नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू डिटर्मिन वेदर और नॉट द फैक्ट्स इन इशू एग्जिस्टेड. अगर बियरिंग है या वो नेसेसरी है रिकॉर्ड में लाने उस मैटर को समझने के लिए और उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो फिर आप फॉरबिड नहीं करोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कैरेक्टर विटनेसेस में. अ डिविजन बेंच ऑफ द कैलकटा हाई कोर्ट इन सुबाला दास वर्सेस इंद्र कुमार हाजवा हेल्ड टू कंसिडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑब्जेक्शन रेज बाय द ऑपोजिट साइड व्हेन अ क्वेश्चन वाज बट टू द डिफेंडेंट पुट टू द डिफेंडेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वेदर द डिफेंडेंट वाज मेड प्रेग्नेंट बाय सर्टेन पर्सन. The counsel who put the question defended it on the premise that it was relevant as his client had a case that defendant did not inherit the property by reason of her unchastity during the lifetime of her husband. Ab agar inheritance or unchastity wagera mein baat aati hai, then obviously you will bring out that evidence. The division bench pointed out that if the fact in issue was whether the defendant was disentitled to inherit the property by reason of her unchastity, then the question would be relevant. क्योंकि बियरिंग है, फैक्ट्स एंड इशू के साथ बियरिंग है. इफ हाउएवर इट वाज आस्क्ड फॉर इंपीचिंग हर क्रेडिट एज अ विटनेस द कोर्ट विल हैव टू कंसीडर इट्स पावर टू फॉरबिड सच क्वेश्चंस. सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर अगर वो ला रहे तो फिर 153 वगैरह वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी. अब रफी एक चीज बताओ, इसमें ये कौन से पैरा में दिया, सेम करके मैं उसके आगे भी लिख लूंगा 151 के, बहुत बढ़िया चीज बताइए कौन से पैरा में दिया ये सर. इसमें पैरा नंबर नहीं है, ऑलराइट, इसमें पैरा नंबर नहीं है, वो पूरी जजमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी जब पढ़ोगे. छोटी जजमेंट आप पढ़ सकते हो कभी, बहुत छोटी जजमेंट है, नन्नी सी जजमेंट एकदम, ठीक है, इट्स नॉट मोर देन लाइक 10 or 12 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं है. आगे वो कहता है इफ द, अब देखो ये देखो हम अपने केस के ऊपर पहुंच गए और वो क्या, अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, किसी का हैंड रेज हुआ था, somebody was asking question. यस सर, मैंने किया सर. हाँ जी, ये कैरेक्टर विटनेस है तो ये सेकंड वाले विटनेस पे तो डाउट क्रिएट कर ही रहा है सर. समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन. सर ये कैरेक्टर विटनेस जो महाराज सिंह जो विटनेस है उस पे तो डाउट क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो उसका साधु है. नहीं, इससे डाउट क्या क्रिएट हो रहा है? जैसे डाउट सर उस विटनेस पे तो क्रिएट हो रहा है कि वो बचाने के लिए वैसा कर सकता है. देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि उसके महाराज सिंह का इसमें स्टोरी के अंदर पार्ट क्या है. महाराज सिंह का वो शेड है जहां पे बच्चे को फेंका गया था, ठीक है, ये चीज कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दी. कि भाई नेबर जो थे उन्होंने देखा था कि ये दोनों बच्चे को पकड़ के लेके गए और उसके बाद शेड के अंदर लेके गए और उसके बाद अकेले बाहर निकले, बच्चा बाहर नहीं आया, फिर जब जाके देखा तो बच्चा अंदर मरा हुआ था. तो इन एनी सर्कमस्टेंस दे कैन नॉट एस्केप कन्विक्शन. तो महाराज के साथ उसकी कोई सांठगांठ थी या नहीं थी उससे क्या फर्क पड़ता है, यही तो वो बताना चाह रहे हैं. आई वांट टू सबमिट समथिंग जो अटॉर्नी ने बोला है. चीला देवी ने ये बोला कि जो उसकी माँ है रामश्री, वो एक बंदे के साथ सोया करती थी जिसका नाम था रामपाल, और वो रामपाल महाराज सिंह का साधु था. और महाराज सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट था? और महाराज सिंह का वो शेड था जहाँ पे बच्चा मरा हुआ मिला. अच्छा, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट. इसमें महाराज नहीं, तो फिर जो लार्जली यू आर वेरी कन्विंसिंग, जो मैं इनका पॉइंट समझ पा रहा हूँ देश का, इट इज रिलेटेड टू कि महाराज सिंह अगर रेज कर रहा है इशू का, कहीं महाराज सिंह ने रेज किया इस इशू को ये जब अपील में आए हैं सुप्रीम कोर्ट में? महाराज सिंह का कोई इशू नहीं हुआ है, वो अपील एंड साइड ये कह रही है कि सर जो शीला देवी का एविडेंस था कि मेरी मदर का मॉरल, मेरे को इसलिए ध्यान आया कि जो उन्होंने बोला ना बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द इंटरेस्टेड विटनेस. वो अगर महाराज सिंह की बात करी जाए तो वो इंटरेस्टेड विटनेस हो गया कि मैं अपने साधु को बचाने की बात, उसकी मतलब कि रामपाल ने कोई पहुंच लगा दी होगी कि भाई साहब इनको आप इनसे विटनेस बन जाओ, आप ये बोल दो कि हाँ ये मरा हुआ मिला था, है ना. मगर कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, कोर्ट ने कहा देखो वो ऊपर से बच्चे को पकड़ के लेके गए और बाद में शेड में बच्चा मिला और ये लोग फिर बाहर निकल गए, तो ये तो हमें पता है कि इन्होंने मारा है, ये एक स्टोरी तो क्लियर हो जाती है. अब महाराज सिंह कुछ कहें या ना कहें उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. तो शीला देवी के सिर्फ ये कह देने से कि मेरी माँ इधर उधर रामपाल एंड ऑल दैट करती थी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में वो कोई रेलेवेंट है या नहीं है? सर महाराज सिंह ने ही कहा कि फलाने ने फलाने को मारा है. महाराज सिंह इज वन ऑफ द विटनेसेस. हाँ सर, जब उसने कहा तो कैसे नहीं सर उसके कैरेक्टर पे है ना सवाल खड़ा किया जा सकता है सर. तो सर वो कैरेक्टर महाराज सिंह का थोड़ी है, वो तो अपनी माँ के कैरेक्टर पे, वो तो अपनी माँ के कैरेक्टर पे बात करने आई है ना. और एक चीज है, जो महाराज सिंह डिफेंस विटनेस था कौन था?
महाराज सिंह प्रोसिक्यूशन विटनेस है। अच्छा तो बात बनती नहीं तो बात, क्योंकि जो जिस एंगल से मैं सोच रहा था अखिलेश जी का पॉइंट कि वो इंटरेस्टेड विटनेस हो रहा हो, वो तो तब है कि अगर डिफेंस विटनेस होता है ना। नहीं वो बात वहां पे बनी नहीं थी, वो एक्चुअली शीला देवी सिर्फ ये आके कहना चाहती थी कि मेरी माँ का ना कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो कुछ भी झूठ वूट बोल सकती है कोर्ट में। तो यू कैनॉट कंक्लूड, एक मर्डर के केस में आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर कोई चार जगहों पर सोता है या कोई रंगीन आदमी है तो वो जो कोर्ट में आके बोल रहा है वो झूठी बोल रहा होगा। मर्डर केस में उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहीं पे अगर बात हो रही होती कि भाई अशोक जो है वो किसी और का बच्चा है क्योंकि ये रामपाल के साथ सोया करती थी, वो इनहेरिट करना ही नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी मनपाल सिंह के और मेरे को मिलनी चाहिए, तब तो कोई बात थी कि तुम आके बोलो कि शीला रामश्री इधर उधर सोती है, तब तो कोई फर्क पड़ता। मर्डर केस में कैसे फर्क पड़ जाएगा इस चीज से? दैट इज वॉट द कोर्ट वॉन्ट्स टू से। डू यू अंडरस्टैंड अखिलेश? पता नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप एक बार फिर से ये री थ्रू करना इसको, आप फिर से एक बार देखना, उसके बाद क्वेश्चन हो तो पूछना, ठीक है? ओके सर। आप शायद कहीं ना कहीं स्टोरी मिस कर गए हो थोड़ी सी, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। यू विल रीड द फैक्ट्स वंस और ट्वाइस, आपको समझ आ जाएगा। ओके सर। ओके। एनीवेज अगर आप ये भी बोलते हो ना कि महाराज सिंह समहाउ वाज इंटरेस्टेड विटनेस या नहीं माना जाना चाहिए एंड ऑल दैट, तो कोर्ट ये कहना चाहती है क्या इस वजह से आप पूरी की पूरी जजमेंट पलट दोगे? अगर आप ये मान भी लेते हो कि शीला देवी जो कहती है उसको कंसिडर करना चाहिए, तो क्या उसकी वजह से जो बाकी के तीन विटनेसेस खड़े हैं तीनों की टेस्टिमनी को उड़ा दोगे? हाई कोर्ट पूरा का पूरा मैटर ही पलट देगा। कैन दैट हैपन? दैट कैन नॉट हैपन। कितनी बियरिंग है उसकी, कितनी बियरिंग है ये देखना पड़ेगा। वेरी गुड पॉइंट आई वुड टू आंसर टू मिस्टर अखिलेश कि ये कई बार ऐसा होता है ना कि खाली जो तीन विटनेस के साथ और भी चीज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी तो होगा ना। अब वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस फिटिंग टू चेन ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, यू कांट नेगेट इट जस्ट बिकॉज़ अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड विटनेस। यस, उससे ये जरूर फर्क पड़ता है अगर कोई इंटरेस्टेड विटनेस है कि अपने फायदे के लिए वो दूसरे को फंसा रहा है कुछ है, लेकिन ओवरऑल केस कैन नॉट बी चेंज सिनेरियो ऑफ द अदर विटनेसेस क्रेडिबिलिटी व्हेन द अदर एविडेंसेस व्हिच आर इनक्रिमिनेटिंग। राइट सर, राइट। अखिलेश जी आप एक बार फिर से वो करना है इसको, फिर से देखना इसको, ठीक है? ओके सर, राइट। चलो आगे देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं जजमेंट बताने के बाद, इफ द फैक्ट इन इशू वॉज कंसर्निंग पेटर्निटी ऑफ द चाइल्ड अशोक, perhaps some relevance to the moral life of his mother could have been assumed. अगर हम पेटर्निटी की बात कर रहे होते अशोक की, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई वो अगर ये बोल रही होती कि अशोक को ये प्रॉपर्टी मिलनी ही नहीं चाहिए, अगर ये इनहेरिटेंस में बात हो रही होती तो कोई फर्क पड़ता था कि उसकी माँ की मॉरल लाइफ कैसी है? अदरवाइज उसे क्या फर्क पड़ता है? बट इन दिस मर्डर केस वेयर द मदर ऑफ द चाइल्ड गेव एविडेंस दैट हर ओन सन वॉज मर्डर्ड, वी फाइंड लिटिल स्कोप फॉर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी इन टू द मॉरल लाइफ ऑफ द मदर। यहाँ पे मर्डर केस चल रहा है। Law does not permit even the child of a prostitute to be murdered. अगर एक prostitute के भी बच्चे को आप मार दो, अगला बंदा के बोले कि सर ये तो prostitute है, इसका तो moral character ही ढीला है, ये जो भी बोल रही है वो झूठी बोल रही है, that cannot be taken, that cannot be considered. The murder was murder in such case cannot escape by establishing that the mother of the child was of loose morals. We therefore depreciate the evidence of DW1 as quite unnecessary and irrelevant in this case. तो उन्होंने कहा DW1 की जो एविडेंस आई है वो इरेलेवेंट है, इट्स अननेसेसरी। अनफॉर्चुनेटली डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट डिड नॉट कंसीडर द एविडेंस ऑफ द टू अदर वेरी इंपॉर्टेंट विटनेसेस। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। आप एक की तो उड़ा दोगे, बाकी सबकी थोड़ी उड़ा दोगे, और विटनेस भी तो आए हैं, और एविडेंस भी तो है। द एंटायर डिस्कशन ऑफ द डिवीजन बेंच अपीयर्स टू बी फोकस्ड ऑन द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द मदर। PW2 महाराज सिंह इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस एज द इंसिडेंट हैपेंड इनसाइड द इंजन शेड बिलोंगिंग टू हिम। PW3 Adal Singh was the pradhan of the village. Both the witnesses were immediate neighbors of the house of the deceased. Both of them said in clear terms that two of the accused were dragging Ashok to the engine shed, and witnesses raised their protest but could not go near the assailant as they adopted a highly bellicose stance by pointing out a lethal weapon. They further said that when the accused had evacuated from the engine shed without accused, they rushed to the shed and found Ashok lying dead in the pit. Trial court placed full reliance on their testimony, but the division bench of the High Court, instead of considering the worth of the evidence, niggled on some irrelevant feature and bypassed the evidence of PW2 and PW3 very improperly. That is what Supreme Court is saying. कि आप एक आदमी का सिर्फ moral character लेके बाकी सारी की सारी evidence को थोड़ी फेंक दोगे बाहर? That cannot happen. High Court did not accept the evidence of PW2, not because of inherent infirmity discerned from it, but because on the day when PW2 deposed in the trial court, one Rampal, described as paramour of Ramshri, was also present in the court building. About the evidence of PW1 and PW2, the High Court made a general comment that if the witnesses had come when Ashok was being dragged away by the assailant, Ramshri would have rushed to rescue the Ashok.
In that context, High Court made a further comment while dealing with PW1's evidence that she did not see whether the dead body was floating or drowned in the water and did not make any efforts to take the body out. This is rather impossible for any mother if she was behaving as a mother to avoid going to the body. एक अलग reason High Court ने दिया कि अगर आप अपने बच्चे को मरा हुआ देखेंगे पानी में पड़ा हुआ तो यू शुड हैव रश्ड एंड आपको बॉडी उसी टाइम बाहर निकालनी चाहिए थी. इस चीज का कोई विवरण आपने नहीं किया, पुलिस वालों ने जाके देखा या जिसने भी जाके देखा बाद में बॉडी निकाली गई. एंड बिकॉज दिस इज नॉट अ बिहेवियर दैट मदर वुड शो, दैट अ मदर वुड शो, इसलिए हम आपकी टेस्टिमनी को नहीं मानते. क्या मतलब बना इसका? इन द स्टेट ऑफ शॉक यू डोंट नो हाउ द पर्सन वाज टू बिहेव. तो उसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट कहती है द सेड कमेंट वाज वेरी अनकाइंड अगेंस्ट द मदर. हर मेंटल बैलेंस व्हेन कंफ्रंटेड विद द शॉकिंग सीन and the shocking news of her 6-year-old playing son suddenly killed could not have been as the learned judges wished her to behave. jaisa aap chahte ho waisa behave nahi karegi. aisi situation mein kaun kaise behave karta, you cannot ever imagine or dictate. suffice it to conclude that the impugned judgment has resulted in miscarriage of justice as well a merited conviction has been reversed. we have no hesitation in upsetting the said judgment of the high court. we therefore set aside the acquittal of the second accused Raghubir Singh and restore the conviction and sentence passed on him. we direct the trial to take immediate steps to put the second accused Raghubir Singh back to jail to undergo the remaining period of the sentence. वापस डाल दिया रघुवीर सिंह को and he will then serve the sentence. Right? So this was about this case. अब इसके अंदर ना just putting out what is the drill down. Basically हमने ये देख लिया कि 140 में character witness आ सकता है. Right? आप character witness को लाके किसी को किसी की credit को impeach कर सकते हो under section 155. 155 के अंदर तीन तरीके दिए गए हैं. या तो किसी विटनेस को लेके आओ जो उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करे, यू ब्रिंग अनदर विटनेस हु कैन टॉक, और यू शो दैट द पर्सन हु हैज कम एज अ विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, और यू शो कॉन्ट्राडिक्शन. आप इन तीन तरीकों से किसी के विटनेस को इम्पीच, विटनेस के एविडेंस को इम्पीच कर सकते हैं. राइट? अब जब ये एविडेंस आ जाएगी ना, इन्होंने बात करी इस जो एविडेंस मॉरल के ऊपर, मॉरल कैरेक्टर के ऊपर आएगी वो कितना रेलिवेंट होगी. So it has to be taken up with respect to the facts and circumstances. हो सकता है उसकी कुछ ना कुछ relevance हो हल्की फुल्की, मगर क्या वो पूरे facts को change कर देगी? ऐसा है तो it is proper और आप उसके साथ आगे जा सकते हो. अगर ऐसा नहीं है तो उसकी वजह से आप दूसरी चीजों को brush out नहीं कर सकते. इसके लिए एक बार 148 देखते हैं, section 148 कि क्या चीज कितनी proper है और कितनी improper है और उसकी वजह से कितना consideration दिया जाना चाहिए और कितना नहीं दिया जाना चाहिए. 148 of the Evidence Act. क्योंकि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, एविडेंस आ तो जाएगा मगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ वो कितना प्रॉपर है कितना नहीं है वो आपको देखना, वो जज की डिस्क्रिशन. सो 148 सेज द कोर्ट इज टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन अ विटनेस कंपेल्ड टू आंसर. किस विटनेस से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना उसको कंपेल किया जाएगा. सीधा पॉइंट्स पे आ जाओ. पहला कहता है सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच नेचर दैट द ट्रूथ ऑफ द इंप्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज. वो प्रॉपर तब होगा जब इट सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. जो आप क्वेश्चन विटनेस से पूछने वाले उससे सीरियस इफेक्ट होता है ओपिनियन ऑफ द कोर्ट पे, उनका ओपिनियन चेंज हो जाएगा. बाकी दो पॉइंट बताते हैं कब इम्प्रॉपर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ध्यान रखना कि हम ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, जब क्वेश्चनिंग करी जाती है. क्वेश्चनिंग में कौन से क्वेश्चंस प्रॉपर और इम्प्रॉपर है और उनसे जो एविडेंस निकलेगी उसका क्या हाल होगा. सेकंड पॉइंट कहता है सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर. कब इम्प्रॉपर है? इफ द इम्प्यूटेशन विच दे कन्वे रिलेट्स टू मैटर्स सो रिमोट इन टाइम और ऑफ सच अ कैरेक्टर दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन वुड नॉट अफेक्ट और वुड अफेक्ट इन अ स्लाइट डिग्री द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. तो जिस बात पे आप क्वेश्चन कर रहे हो वो या तो इतने पुराने हैं, इतना टाइम बीत चुका है, या फिर अगर वो सच भी हो ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन वो अफेक्ट नहीं करेगा केस को या बहुत स्लाइट डिग्री में अफेक्ट करेगा एज टू द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस. यही चीज इस केस में हुई है. आप मॉरल विटनेस दिखाने की, मॉरल कैरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हो रामश्री का. अगर उसकी इंप्यूटेशन ट्रू भी होती है कि भाई वो इसके साथ उसके साथ सोती थी या जो भी करती थी, उससे क्या ओपिनियन कोर्ट का इस तरह चेंज हो जाना चाहिए कि एक्विट कर देंगे आप अगले लोगों को? द ट्रूथ ऑफ द इंप्यूटेशन वुड ओनली अफेक्ट टू अ स्लाइट डिग्री और उतने से पूरी की पूरी जजमेंट बदल नहीं जाएगी या बदलनी नहीं चाहिए. और आगे कहते हैं सच क्वेश्चंस आर इंप्रॉपर इफ देयर इज अ ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंप्यूटेशन मेड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस. ये चलो दूसरे पॉइंट्स हो गए, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था बस. तो ये सारे सेक्शंस को मिला जुला के जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कैरेक्टर के ऊपर एविडेंस एटलीस्ट क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में तो 52 कहता है कि जरूरी है ही नहीं. सेक्शन 52 कहता है सिविल केसेस में कैरेक्टर कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मगर जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की
तो यहाँ पे कैरेक्टर एज टू विटनेस लाए जा सकते हैं और उनकी एविडेंस ली जा सकती है, उन्हें क्रॉस किया जा सकता है और कोर्ट देख सकती है कि ये जो एविडेंस आई है उस एविडेंस से कितना फर्क पड़ता है केस में और किस हद तक उसको कंसिडरेशन दी जानी चाहिए. दैट इज वॉट दिस वॉज ऑल अबाउट. नाउ एनी क्वेश्चन? यस सर. आपने बोला सिविल केसेस में इट इज इरेलेवेंट. वो बोलता सेक्शन 52 इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इरेलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट. ये लाइन मेरे को लास्ट की छोड़ रही है. एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट. कहां भी पढ़ रहे सर ये? सेक्शन 52. अच्छा हाँ सही सही बात तो है. एक सेकंड मैं साथ साथ पढ़ देता हूँ. जैसे हम जो केसेस बात नहीं कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस वगैरह की और ये सर ये सिविल केस है ना. अब सिविल केस के अंदर नॉर्मली कैरेक्टर जो है वो इररेलेवेंट होगा. नॉर्मली वो कहता है द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम is irrelevant except in so far. कब होगा relevant? Except in so far as such character appears from the facts otherwise relevant. जो facts उस case के अंदर relevant है, अगर वही बात कि facts and issue के साथ वो relevant है, तो जब facts and issue के साथ relevant होंगे, तब तो फिर आप character impute करोगे ही character. यार civil cases कौन से हमने दो example देखे ना, एक तो inheritance का था और एक और था. Inheritance हो गया and एक और हाँ किस चीज के बारे में बात कर रहे थे हमने? Maintenance की बात कर रहे थे हम. Maintenance में जो unchastity and adultery की बात कर रहे थे. उसको भी तेज चलाने के लिए उन्होंने सेक्शन इंसर्ट कर दिए, सेक्शन 31 की भाई क्रिमिनल रेमेडी मिल जाएगी आपको, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पुलिस वगैरह की हेल्प मिलेगी, जो प्रोसीजर चलेगा वो सीआरपीसी के हिसाब से चलेगा, जस्ट टू मेक इट क्विकर. अदरवाइज इट्स सिविल, इट्स नॉट क्रिमिनल. Right? Anybody else? Any question? Sir, मैं एक question doubt मेरे को sir. अरे गोपाल sir, कैसी बात कर रहे हो? Sir, अभी आपने 52, 53 और 55 की जो जिक्र किया है. Yes sir. और 140 का जो आज आपने जो explain किया है. Confusion ये है कि 52, 53, 55 जो भी अपन बात कर रहे हैं वो accused को लेके, वो witness को लेके character की बात नहीं है यहाँ पर. और 140 जो है वो witness की बात करता है. विटनेस के कैरेक्टर की बात है सर. जो कैरेक्टर यहाँ पे जो हम जैसे यहाँ क्लियर लिखा है सर, 52, 53 में अक्यूज्ड के कैरेक्टर के बारे में आप बात नहीं करेंगे. 55 का जो है सिविल के अंदर पर्सन है, एनी पर्सन लिखा है, सिविल वाली सेक्शंस जो है वहां पर अक्यूज्ड वर्ड नहीं है. और क्रिमिनल की जो एप्लीकेबिलिटी है उस पर अक्यूज्ड क्लियर लिखा है. और 140 आपने जो पढ़ा है आज वो विटनेस के कैरेक्टर की बात कर रहा है सर. इसमें दो चीजें, वैसे तो आई थिंक इसके ऊपर हमें अच्छे से केस लॉ वगैरह पढ़ना चाहिए, बट जहां तक कि मेरे को समझ आया वहां तक ये है कि जब हम विटनेस की बात करते हैं एग्जामिनेशन वगैरह में, तो हमारा जो अक्यूज होता है वो भी DW1 बनता है, अपने आप में एक विटनेस बनता है. तो अब उसकी मतलब उसका जो एविडेंस आ रहा है उसके बारे में अगर आप बात करो तो एज अ विटनेस बात कर रहे हो. अक्यूज भी एक टाइम पे विटनेस होता है ना अपने आप में. तो अगर कैरेक्टर उसके कैरेक्टर के ऊपर भी विटनेस लाया जा रहा है, कैरेक्टर एज टू विटनेस लेके आ रहे हैं आप, समझ रहे हैं सर आप? जी जी. तो फिर तो वो भी तो एक विटनेस की तरह माना गया ना. अक्यूज जो है वो भी तो एक विटनेस की तरह बॉक्स में खड़ा हुआ है ना. तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया सर, यहाँ अक्यूज्ड और विटनेस को वहां पर आप विटनेस को आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ कह रहे हो नहीं कर सकते. तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ सेक्शन 53 का और ये जो भी सेक्शन है वहां पर और 140 का. फिर तो अक्यूज की बात करें तो अक्यूज में तो जो है अक्यूज को तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी तो नहीं कर सकता ना वो कह के. नहीं उससे सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला पॉइंट तो नहीं आएगा वो तो नहीं है. लेकिन यहाँ पर जो मेरे को जो डाउट है ये 52, 53 की जो सेक्शन जो पीछे में अपन देख रहे हैं वो अक्यूज्ड और एनी सिविल के अंदर एनी पर्सन लिखा है उसके अंदर मतलब विटनेस नहीं, उन्होंने क्लियर नहीं किया. लेकिन 140 आज जो आपने पढ़ा है वो विटनेस स्पेसिफिकली विटनेस की बात करते हैं, वो सर विटनेस की कैरेक्टर की बात करते हैं. तो इसलिए और 155 में भी आप बताएं तो विटनेस के ही आगे वो फर्दर उसका जो एक्सप्लेनेशन है सर. गोपाल सर जी सर, वो विटनेस के कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है विटनेस टू कैरेक्टर.
किसी के कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर को लेके आए। हाँ कैरेक्टर के बारे में, उसकी मदर की कैरेक्टर के बारे में बात कर रही है। हाँ नहीं देखो देखो वो ये नहीं कह रहा है कैरेक्टर, वो कह रहा है किसी विटनेस के कैरेक्टर पे बात करने नहीं आया, वो विटनेस कैरेक्टर के ऊपर बात करने आया, किसी और के, किसी और विटनेस के कैरेक्टर पे नहीं। दिस विटनेस हू इज कमिंग टू द कोर्ट इज अ विटनेस टू कैरेक्टर, मीन वो जो इसकी बेटी है वो अपनी माँ पे कह रही है कि इसकी इलिसिट रिलेशनशिप है। हाँ, तो ये देखो ना, तो वो मदर विटनेस है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं वो विटनेस 161 में विटनेस रही होगी। हाँ वो 161 में विटनेस रही होगी, PW1 है वो तो, प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो तो। तो जो लड़की आई है, जो लड़की आई है शी इज अ कैरेक्टर, शी इज अ विटनेस टू कैरेक्टर, शी इज अ विटनेस हु हैज कम टू टॉक अबाउट समवन्स कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर वो कहीं पे डिफाइंड नहीं है कि वो किसका होगा, इसलिए मैं हम लोगों ने इनिशियली नो किया था, हम इसी जगह कंफ्यूजन में थे। हाँ नहीं नहीं तो आप उसको इस तरह से मत पढ़ो ना, देखो वो हाँ हो सकती है, ये भी कंफ्यूजन पॉसिबल है। देखो जो सेक्शन 140 है वो कह रहा है, जो सेक्शन 140 है वो लिखता है विटनेस टू कैरेक्टर। यस सर, माने जो विटनेस आया है, जो जैसे शीला देवी आई है, शी इज अ विटनेस जो किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात करने आई है, वो किसका कैरेक्टर है ये नहीं बता रहा कि वो विटनेस के कैरेक्टर के बारे में बात करेगी। दे आर नॉट सेइंग कि यू आर कमिंग टू टॉक अबाउट विटनेसेस कैरेक्टर, यू आर अ विटनेस हु इज कमिंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर। यही कंफ्यूजन हुआ था सर, यही कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए नो निकला था, क्योंकि अभी क्लियर हो गया ना ये। हां यस यस क्लियर, अभी दूसरों को समझ आया ये बात क्या हुई, विटनेस कैरेक्टर टू विटनेस, बाकी सबको समझ आया ये? मतलब दिस इज अ वेरी पॉसिबल कंफ्यूजन, मैंने पहले सोचा नहीं क्योंकि मेरे को क्लियर था। यहाँ मेरे को जो समझा है, शी इज विटनेस टू कैरेक्टर ऑफ समबडी। हाँ तो 140 जो बात कर रहा है वो कहता है, वो बात कर रहा है जब कोई विटनेस आएगा किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करने, विटनेस टू कैरेक्टर। वो ये नहीं कह रहा कि आप किसी विटनेस के कैरेक्टर पे बात करने आ रहे हो, किसी विटनेस के कैरेक्टर पे बात नहीं करने आ रहे हो, यू आर अ विटनेस हु इज कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर ऑफ एनी अदर पर्सन, जरूरी नहीं है वो विटनेस ही हो, एनी अदर पर्सन। So you are witness to character, witness to character. Any other person में witness भी हो सकता है, prosecutor भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। So it's character, witness to character, सही बात है ये। बोलते हुए भी अटक रहा है, character witness and witness to character। अच्छा पकड़ा गोपाल सर। So अभी ये clear है सब लोगों को, anybody who has got any confusion, Hargun sir, any confusion so far? No sir. Yes sir. All right. Akshat, Nandini. Anybody else? Okay. Cool. So any other question, anybody or anything to discuss? बहुत बढ़िया था आज का लेक्चर। Thank you so much, sir. बहुत बढ़िया पढ़ाया। चलो समझ आ गया सबको, तो बहुत बढ़िया है। चलो सो नेक्स्ट क्लास वी आर गोना टेक अप लीडिंग क्वेश्चंस। तो लीडिंग क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, कब कब पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, केस लॉज एंड ऑल दैट, वील कवर दैट इन द नेक्स्ट सेशन ऑन संडे, एंड आईपीसी में वील ट्राई टू कवर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन दिस वेंसडे। ये कल तो कुछ नहीं फिर मंडे, कल तो कुछ भी नहीं। अच्छा कल कोई क्लास नहीं है, ट्यूजडे को देयर इज गोना बी एनडीपीएस क्लास, एंड देन वेंसडे आई विल टेक आईपीसी, एंड थर्सडे इफ देयर इज एनी तो एनडीपीएससी क्लास होगी। आई थिंक एनडीपीएस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑन ट्यूजडे। शिखर सर का शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, उसमें हम सीआरपीसी प्रोसीजर्स कवर करेंगे। ठीक। I'm muted. नंदनी, आई थिंक मेरी आवाज जा रही है। आई वॉज टॉकिंग टू राजेश सर। चलो देर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई एम गोना रैप अप। क्वेश्चन वैसे होना चाहिए यहाँ, तो काफी कंफ्यूजिंग बातें करी हमने। Anyways, good for me, good for everybody. Let's wrap it up then. Thank you so much everybody for joining. I'll see you on Wednesday now. Thank you. Good night. Good night, sir.